तो कहते हैं सबको नमस्ते प्रणाम। मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाली हूँ। कितने लोग आपको जानते हैं, कितने लोग फिल्में देखते हैं? गरम मसाला देखी है? अक्षय कुमार जॉन अब्राहम को तो देखा होगा। हाँ, वो वही फिल्म पहली बार लॉन्च हुई थी, वो गरम मसाला। उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल, नेशनल अवार्ड मधुर भंडारकर की फिल्म, ओए लकी लकी ओए दिबाकर बैनर्जी परेश रावल की फिल्म, अमिताभ बच्चन के साथ रण, 13 बीए के साथ माधवन, ये सब में मैं हीरोइन रही हूँ। 3-4 साल से थिएटर करती हूँ और कुछ कुछ सेवा करने की कोशिश करती हूँ, यही मैं कर रही हूँ। हाँ, मैंने बताओ, सब बताऊंगी अपने बारे में, ताली खड़ा करवा के ताली बजाओ। सो मैं बिहार की और यूपी की पहली, मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार की पहली एक्ट्रेस हूँ। हमको पता था ताली बजने वाला। सो बिहार की पहली एक्ट्रेस हूँ जो बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्में कर रही हूँ, और मैं 9-10 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ी हूँ, और उससे उतने ही साल से मैं CPA के साथ भी जुड़ी हूँ। 10 साल हो गए CPA के साथ काम करते हुए, और हर बार जब मैंने काम किया तो मुझे उतनी खुशी मिलती है, उतना ही सुकून मिलता है। काम पैसा कमाना एक अलग बात होता है, और पीस जिससे आप घर जाके रात को शांति से सो सकते, वो एक अलग बात होता है। और हर बार मैं जब दीदी के साथ खड़े होती हूँ, जब भी मैं CPA के साथ खड़ी होती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो आज बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी आपका, कि आपके कारण हम ये कर पाए। डॉक्टर साहब, रोटरी क्लब, दिलेर जी सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर ये सुकून देने के लिए इस समय आप मेरे साथ हुए। सो थैंक यू सो मच। मैं सुशांत जी से बात कर रही थी, और वो कह रहे थे कि यूपी बिहार से करीबन 95% लोग, यूपी बिहार झारखंड से 95% लोग इस पूरे ऑटो रिक्शा टैक्सी में हैं। और ये अमेजिंग बात इसलिए भी है क्योंकि मैं यूपी बिहार, मम्मी मेरी यूपी की हैं, लखनऊ कानपुर की, मैं पापा बिहार के थे, मैं बड़ी होके पैदा होके बड़ी वहीं पर हुई। रो भोजपुरी में बताया कि मैं तो रो भोजपुरी में बता सकेंगे। आई एम जस्ट सेइंग इज कि रूट इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अब आप लोग यहाँ 30-40 साल से हैं, लेकिन आपकी फैमिली, आपके दादा दादी, पापा मम्मी, कोई तो होगा घर पे, और अगर आपको यहाँ कुछ हो जाता है तो आप ना वो आ पाएंगे ना आप जा पाएंगे। तो अपने लिए नहीं, कम से कम अपनी फैमिली के लिए इस चीज़ के में जागरूक लाना आप में बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने यही चीज़ पुलिस वालों के लिए किया था, यही चीज़ बस ड्राइवर्सों के लिए किया था, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए किया था, कितने लोगों के लिए किया था, और बहुत ज़रूरी उनको बताया था कि आप किसी का मत सोचिए, मेरा मत सुनिए, शशांक जी का मत सुनिए, किसी का मत सुनिए, अपने दिल की बात सुनिए। अभी पीछे एक फैमिली बैठी है, एक बहुत ही सुंदर औरत बैठी है पीछे, एकदम यहाँ से सिंदूर लगा के, उनके साथ 2-3 बच्चे बैठे, इतना सुंदर फैमिली है। आप उन फैमिली, अपनी फैमिली जब घर जाते हैं ना, आप उनको सोचिए, अगर अचानक से आप एक दिन गायब हो गए तो कैसे रहेंगे वो? और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मेरे फादर की डेथ कैंसर से हुई थी। और इसलिए दूसरों की का इंतज़ार मत करें कि किसी को हो जाएगा तो फिर एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे, अरे इसको कैंसर हो गया है, अब वो भी तंबाकू खाता था या पान पारा खाता था, तो अब हम लोग भी नहीं खाएंगे, वो समय नहीं आने देना है। मैंने अपने बताते हैं कि हम पापा को हमेशा बोलते रहे कि पापा ये सिगरेट छोड़ दीजिए, ये पान पराग छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, छोड़ देंगे, अरे कसम खाते हैं छोड़ देंगे, कल से छोड़ देंगे, ये कल कभी नहीं आता है। अब आप इस जन्म में हम किसी को पापा तो नहीं बोल सकते ना, कुछ भी कर लीजिए। सो हम अपने एक्सपीरियंस देखो, हम जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, कोई मोटिव नहीं है कि कुछ बनना है, बस इतना है कि अगर मेरे बोलने से आप लोगों को इतना भी फर्क पड़ता है और आपको अपनी फैमिली से फर्क पड़ता है कि आप चाहते हैं अपनी फैमिली आपके साथ खड़े रहे, तो ये आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। हम सबको देखे हैं खैनी खाते हुए, तंबाकू खाते हुए, सिगरेट भी छोड़ दीजिए, बीड़ी पीते हुए, और भी ज़्यादा खराब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन जब हम अपने पापा को बोलते रहते थे कि पापा छोड़ दीजिए, नहीं छोड़, हाँ 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 एकदम कल से छोड़ दे, मंदिर ले जा के कसम खिलवाए सब, क्योंकि हमको पता है कि बहुत मुश्किल होता है इसको छोड़ना, आसान नहीं है। लेकिन आप एक बहुत ही बड़े एक्टर हैं, उन्होंने एक सिगरेट को अपने पॉकेट में रख लिया, और रहते जब सब लोग बोलते थे यार तू सिगरेट पीता, तो उन्होंने क्या बोला,
जब भी मेरे को सिगरेट पीने का मन करता था या बीड़ी होने का आते थे, वो बोलते थे तू ज्यादा स्ट्रांग है कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, देखता हूँ, तू ज्यादा ताकतवर कि मैं ज्यादा ताकतवर, तीन चार बार बोलेंगे और फिर अगले बोलेंगे मैं ज्यादा ताकतवर, इसलिए मैं नेगेटिव हूँ। तो बात ऐसी है कि ये सारे कैंप्स तो हम लगा रहे हैं और हमको बहुत खुशी है कि हमको मौका मिला है, शाम जी ने मौका दिया है और CPA जो मेरी फैमिली है और ये कोई हम लोग जितना कर सकते हैं करेंगे। लेकिन आप अपने मन में, अपने शीशे में, घर में जाके शीशा होगा, शीशे में देखिए, बोलिए कि हम कितना दिन और जीना चाहते हैं। जिंदगी का ट्रूथ ही है कि सबको मरना है एक दिन, लेकिन जिस रास्ते में आपकी जिंदगी का मौत लिखा ही है तो आप उस रास्ते में क्यों जा रहे हैं? ऐसे भी कभी भी किसी को भी कैंसर हो जाता है, पक्का नहीं होता ना, कभी भी किसी को कुछ भी हो जाता है, लेकिन जो रास्ता पता ही है कि इस रास्ते से आपको कैंसर हो सकता है, क्यों जा रहे हैं? देखिए, मैं तो लड़की हूँ, बिहार से आके ये सब करी, मैंने बहुत मुश्किल से अपने पापा को पटना से लेकर आई, यहाँ इलाज कराया, सब कुछ कराया कि बच जाए बच जाए। आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली लग जाती है, उनकी जिंदगी हिल जाती है। मेरे पापा का डेथ हुआ था, उस दिन मैं अपनी लास्ट फिल्म का दो दिन का शूट कर रही थी, नो प्रॉब्लम, मेरी लास्ट फिल्म थी जो बॉलीवुड में रिलीज हुई थी, और अनीस बजमी उसके डायरेक्टर थे, अनिल कपूर उनके प्रोड्यूसर थे, अक्षय खन्ना, परेश रावल, कंगना, सुष्मिता और मैं, हम तीन हीरोइन थे और ये सब हीरो थे, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, परेश रावल और अनीस बजमी उसके डायरेक्टर थे। और मैंने उस दिन, मैं शूटिंग करती थी और मैं हॉस्पिटल लौटती थी, मैं यही कर रही थी महीनों से, क्योंकि मेरे पापा हैं तो मैं तो नहीं छोड़ सकती ना, उसी तरह आपकी फैमिली आपको नहीं छोड़ेगी ना अगर आपको कैंसर हो गया तो। इसलिए आप पहले से इतना ध्यान दीजिए कि मेरी फैमिली को इस तरह से नहीं गुजरना पड़े। वो लास्ट फिल्म थी, उसके बाद मेरा दिल इतना टूट गया कि मैं 2-3 साल तक डिप्रेशन में चली गई, और सिर्फ मैं इतना करती थी कि मैं अपनी मम्मी का सुबह चाय बनाते पिलाती थी और रात का पैर दबा के सुलाती थी, इतना ही कर रही थी 2-3 साल तक डिप्रेशन में, क्योंकि मुझे लगता था सिर्फ मेरी मम्मी बची है, क्योंकि मौत को इतने पास से और रोज देख लिया था कि अब मेरे को कुछ और करने का दिल ही नहीं था, क्योंकि मैं अपने पापा को बोलती रही कि छोड़ दीजिए, वो तो चले गए, उनको तो मतलब ध्यान नहीं दिया ना अपना, जब स्टेज खराब हो गया तब उन्होंने ध्यान दिया कि अब मेरे को इलाज कराना है, शुरुआत में इलाज ही नहीं करना, नहीं, हम सबको कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं होगा, हम लोग सब यही सोचते हैं कि हमको कुछ नहीं होगा, सबको हो सकता है, सामने कैंसर पेशेंट दिख रहे हैं लेकिन कोई इंस्पायर नहीं होता कि अरे उसको हो गया तो शायद हमको भी इलाज, चेक कराने में क्या जाता है 6 महीना में 1 साल में चेक करा लूँ, लेकिन मेरे पापा भी यही सोचते थे कि सबको कुछ भी हो जाएगा पर हमको कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं हुआ, बस उन्हीं को हुआ। और आज हम इस सिचुएशन में कि ये स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं कि भाई देख लीजिए, आज तो पापा नहीं है, ऐसा ना हो कि आपके बच्चों के भी पापा ना रहे या माँ ना रहे, और ये बहुत जरूरी है। मैं एकदम रॉ सिंपल जमीन पर आके खड़े होकर आपसे एकदम एक फैमिली की स्टोरी बता रही हूँ जो मेरी फैमिली, इससे ज्यादा कोई मैं बता ही नहीं सकती, दूसरों की स्टोरी क्या बताऊंगी मैं तो अपनी स्टोरी बता सकती हूँ। आपके, मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो आपके फैमिली के साथ, हम इसीलिए मैं भी इतने साल से पापा के जाने के पहले से ही मैं CPA से जुड़ी थी और मैं हमेशा पूरी जिंदगी जुड़ी रहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कर्म करते रहो, अगर मैं कर सकती हूँ मेरे कहने पर, अगर 5 जन भी इन्होंने छोड़ दिया और अपनी अपनी मुझे छोड़ दीजिए अपनी फैमिली को बचा लिया, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। तो इस जगह सो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अब सारे लोगों ने तो बता ही दिया है, कैंप है, आप लोग प्लीज आए, अपने लोगों को और लोग को बुलाएं करें, अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में और मुंबई भी, महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगह हम केस करते रहेंगे, और जहाँ भी मुझे बुलाया जाएगा और मैं आ सकूँगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। मैंने कभी भी अनीता को मना नहीं किया किसी भी कैंप के लिए आने के लिए, हाँ अनीता कभी भी नहीं कर, अगर मैं हूँ वहाँ पर तो मैं ज़रूर आती हूँ। तो यही जिंदगी बहुत ही छोटा है, निकल जाता है, श्योर जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब 30-35 साल से ऊपर ही हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, तो हम लोग बच्चे नहीं हैं, हम लोग को सबको पता है कि क्या करना चाहिए, अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए कर लीजिए, मेरे जैसी बेटी के लिए कर लीजिए जिसके पास कोई पापा नहीं है। अब ये मैं कहना चाहती हूँ कि उन, अब तो चलिए अब जो है वो यहीं तक, यही स्टोरी है, 5 उन लोगों को मैं कैश प्राइज दूंगी ये सरप्राइज था जब
गा रहे थे, पांच वो लोग जो टोबैको फ्री हो जाएंगे और उनको सीपीए की टीम मॉनिटर करेगी, और जो वर्ल्ड टोबैको डे होगा मई में है, वर्ल्ड टोबैको डे मई में है, फर्स्ट मई को, 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे है, उस दिन उन पांच लोगों को कैश प्राइज दिया जाएगा और अच्छा खासा कैश प्राइज होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से सिर्फ लालच ही दे सकती हूँ, ये एक लालच है, तो आप और आपकी लालच ये है कि आप अपनी फैमिली को बचाइए, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया, संडे को आप लोग आए, मीडिया प्रेस का, सारे वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, जितने लोग आप सब आए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग स्टेज पे आए, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस संडे में मुझे पता है सब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, और मुझे बुला के आप लोग सब में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम 5,000 चालक पालक लोग जो है ऑटो रिक्शा के टोटो फ्री हो जाएंगे। आप लोग क्या कह रहे हैं? और ये बात इनके यूनियन लीडर और सीनियर यूनियन तो सर सच बताए, एक बात पूछना भूल गए थे, पूछना चाहते हैं, कितना लोग गुटखा खाते हैं यहाँ पर, सच बताना। एक जो जो ब्रेन लोग है वही बता पाएंगे बात, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलिए चलिए सर बताइए, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो सिर्फ देख ही सकते हैं। अरे कहीं कहीं अच्छा, वो पीछे जो दो बच्चे बैठे बाबू मर गया है हमें, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर मेरे पास आओ, स्टेज पे लाओ उसको, आओ इधर आओ, आज कह रहे तो ये बताइए आप लोगों को मेरा नाम मालूम है, इतना तो भाषण सुन लिया आपने, नाम मालूम है? नहीं। क्या नाम है बताइए? नीतू सिंह, रणबीर कपूर की मम्मी, तो उनका नाम है नीतू सिंह, मेरा नाम क्या है? भाई साहब सबको भगाया ऐसे में, बड़ी बात मिला किसी से, नीतू चंद्रा श्रीवास्तव पूरा नाम है मेरा, और नीतू चंद्रा है मेरा नाम, नाम याद रखना, मैं मिलेगी तुम लोग से।
अपने अपने ऑटो रिक्शे पे इसको लगाना है और लोगों से इसके संदर्भ में बात करना है, सबसे पहले खुद छोड़ना है। Rotary Club of Mr. Kaushik Shah. Dr. C.G. Joshi. Say this, that tobacco free is very, very important. It's a compulsion because your life is just not yours, it's your family's life, especially when you have wives or you have husbands. I'm not only talking about males, I'm also talking about females, all the genders. We're talking about everybody who is who consumes tobacco should be very, very careful, because there's whole family which is dependent on you, and you cannot just, you know, for the sake or for the heck of enjoying yourself, can risk your life that way, where you are sure, and all of us know that you are finding the path to a disease which is after a stage not curable. So the सब जब कोई बीमार पड़ता है तो पूरी फैमिली उसके पीछे लग जाती है और उसको बचाने के चक्कर में. लेकिन अगर टोबैको से ऐसा लगता है आपको कि ऐसा होगा, देन यू नो व्हाई वुड यू गेट इनटू दैट समथिंग लाइक दिस. सो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग उनको इंस्पायर करें और कहें कि यू नो आप अपने आप को बचाइए, बिकॉज ये डिज़ीज़ तो है और किसी को भी हो सकती है, लेकिन किसी रास्ते से जाकर होनी ही है तो उसको रोक लीजिए आप. ओके, मूवी स्पीक्स अ लॉट, यू नो, यू टॉक अबाउट मोटिवेशन, सो इट मोटिवेट्स अ लॉट टू द पीपल. सो अगर ऐसी कोई मूवी आपको ऑफर हो जिसमें यू नो यू कैन सपोर्ट दिस कॉज एंड यू कैन गो टू लॉट्स ऑफ पीपल, सो वुड यू लाइक टू डू इट? वेल, सिंस यू नो आई एम लकली, गॉड हैज बीन काइंड टू मी एंड आई एम अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, गॉट अ नेशनल अवार्ड एज अ प्रोड्यूसर. I have a production house with my brother Nitin Chanda. It's called Champaran Talkies, and we are making a film on cancer, which is called Gavaiya. And I'm going to be producing it. We've got great cast in the film. All the people from, you know, in the industry who are doing really good stuff. Films are one of the best ways to enter anybody's life, or the smallest of the households, and you know, from the smallest kid to the eldest family member watches a movie or are on digital and you know on internet and everything. So through movies and through digital platforms, if we can create a story, tell the story, we are all storytellers. If we can do that, I think that would be the best way to actually you know, tell them why and how it is so important. Okay, as you know, movies are like now
government is demanding that its trailer should be like removed from everywhere. So do you think somewhere or the other we have lost the freedom, like the film industry have lost the freedom to show the content? See, there is, I don't think a separate body is there to actually conduct or stop any kind of film or any demand to, you know, remove things from there until unless there's a censor board, which is actually a government body. And if you not, you have to start trusting the bodies which you have actually made and chosen. So censor board is a chosen body, which I think should be the should have the right to conflict or not. So I think in a democratic country, if you choose as a power to put up something or remove something or do a PR of different campaigns of different parties, and basically it's a fight of who has the biggest money to promote their own parties. So I don't know who's saying what, but I just know this much, that the parties in power or not in power are literally throwing monies to do their PR and literally hammer their cells on the janta. And the more you see visually, slowly, there are only two perspectives of it. Either you get positive about the party or you get negative about it. So I think this is what is going on, and I'm not a political person at all. I'm never politically correct also. I'm just a very honest and a hard person. I personally feel if it is a democratic country, we should be living like that. Okay, as you said, you are a very honest person. So I would also like to know that Nasruddin Shah recently told that we have lost our freedom of speech. Like, whatever we say, we have lost it. We don't have freedom of speech anymore. So what do you think? How much true is this statement? See, that is what I just said, that, you know, there are certain bodies given by the government, and if that is the body who has the right to speak or not to speak, if everybody starts taking, start judging in Aam Janta or doesn't allow anybody to talk or not talk, if we have right, the media has the right to say, not say anything, and there's nobody, literally we are helpless people. If you see, actors are helpless people. We say something, comes out something else, goes in some other connotation, and you are like, I didn't say it like that. The same way, I think the freedom of saying or some freedom of writing anything should be there. And Naseer sir, I really look up to him. I've been there for a lot of his plays, theater. Never got a chance to work with him. You know, I'm just looking forward. But I totally believe what my seniors have to say from the same industry. And if he has said something like this, I'm sure there is a reason behind it. And we need to see the reason. And I really look up to him. So I think there must be something which must have triggered him to say this. And why not? Okay, since we are talking about the government, you know, government these days are like, they are very much into religions and Hindu Muslims and all stuff. So what do you think? Is this like destroying the environment? I can't comment on all these things right now. I don't think I'm a very political person and the right person to say. Okay. We would also like to know about your upcoming projects, you know. So sure, I'm 3 days time, I have a Rekha Bhardwaj music video releasing, which is shot in LA. It's a beautiful song. It's a collaboration between our production house and our US-based production house. It's just, I can't wait for it to come out and for you guys to see it, because the whole cast and everybody is from LA. And that is one thing which is coming. The other video which I've just done, music video which I've done, which is a great storyline, which is Rekha Ji's. And the second one is a dance number, which is by Payal Dev. And that has also come out very well. It's choreographed by Mudassar. I'm sure you guys have seen Playboy Mr. Sahni with Jackie Shaw, which just released a short film. Then I did a film with Raja Mukherjee called Beti, which is also just released. My next project, which we are shooting from April, is a Korean TV drama. I think the news are all out, and I'm shooting in Seoul from April. That is out, and I'm doing my martial arts film called Ladaku, which is like the winner for me. As a martial artist, I've been looking and waiting for to do something like this. Okay, talking about the films, 2019 is all about so many films. Yeah. So for which film are you really excited? I think Kangana's film, I'm very, very excited. I wished her also. We had a chat on, you know, I met her for the, because we have co-acted together in No Problem. So I really think she's fantastic. Love the way, the confidence. And now she's directed it. I think hats off to you, man, Kangana. Just rocket girl, you have all the power. And I think
The film has to, can't wait to see it. In the recent past, I haven't seen a promo like that, and I've tweeted also saying, what a fantastic promo, and love the power, so go for it. Okay, lastly, what would you like to say to our audience? Well, guys, CPAs has been organizing this cancer camps for a long time, been associating with a lot of people who are not able to afford things. Please come join us as much as possible. They just need some little bit of your time, that's all. Maybe my presence can make a lot of people aware of what we are trying to do, and your presence might do the same. That's all we need, so that one day we are tobacco free country. Thank you so much. Same in Hindi. मुझे बहुत पता है क्यों नहीं मुझे हिंदी में बोला, इसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा, मैंने कुछ आंसर कर दिया. मुझे बहुत खुशी है कि CPA इतने सारे कैंप्स करती रहती है, और एक दिन ऐसा आए जब हम टोबैको फ्री कंट्री हो जाएं, और आपकी पूरी जितनी भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पूरे परिवार सहित, आप बहुत बहुत खुश रहें, क्योंकि कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती आपको जब आप इस तरह की हेल्दी ज़िंदगी जियेंगे, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो रिक्शा वाले हों, चाहे वो कोई भी हों. आपको एक हेल्दी ज़िंदगी जीना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और आपका हक है, और आपको बहुत खुश रहना चाहिए अपनी फैमिली के साथ. तो प्लीज़ प्रे करिए और प्लीज़ प्रण लीजिए कि आप टोबैको फ्री रहेंगे, और ये देश एक दिन टोबैको फ्री हो जाएगा. शुक्रिया.